अस्सलाम वालेकुम। कुक विद नसरीन के चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी आलू के पराठे बनाने की रेसिपी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ आलू का पराठा बनाने की रेसिपी। बगैर आटा गूंदे आपको किस तरह आप पराठा बना सकते हैं, उसके लिए चाहिए हमें एक प्याली मैदा या आप आटा ले सकते हैं। एक मैंने आलू लिया, उसको कद्दूकश उबाल के कद्दूकस करके रखा हुआ। एक चम्मच हरा धनिया, एक चम्मच हरी मिर्च, एक चम्मच प्याज बारीक कटी हुई, एक चम्मच ऑयल, एक चम्मच मैंने ली कुटी मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, नमक हंसबे जाएगा, पानी हंसबे जाएगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे मैदा। मैदा शामिल करने के बाद आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस तरह से आप इसको मिक्स करें। आप देख सकते हैं हमारा बैटर तैयार हो चुका है। इतना पतला होना चाहिए आपका बैटर। अब हम इसको साइड पर रख देते हैं। एक कप बाउल ले लें, उसमें आप शामिल करें आलू, उसमें शामिल होंगे मसाले। सब मसाले मिक्स कर शामिल करके आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें जाएगी प्याज, इसमें जाएगा ऑयल। आप इस बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करें। मसाले अच्छी तरह से इसके मिक्स होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छी तरह से आलू में मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें मैदा जो हमने घोल के रखा था, अब हम इसमें शामिल करेंगे। इसको शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। आप देख सकते हैं हमारा बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। हमने इसमें आलू भी शामिल कर दिए मैदे में। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अभी हमारा मिक्स हो चुका है। आप एक पैन ले लें, उसमें आप नीचे से थोड़ा हल्की सी आंच जला दें। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये बैटर। इस तरह आप किसी भी स्पून की मदद से आप इसमें शामिल करें। इस तरह शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से गोल गोल इस तरह करें। हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लिया। इस तरह से आपका ऊपर से खुशक हो जाए तो आप इसको फिर पलटें। इस तरह से अब आप इसके साइड पलट दें। पलटने के बाद आप कोई ब्रश या चम्मच की मदद से आप इस पर हल्का हल्का सा घी लगाएं। फिर आप इसको पलट के दूसरी तरफ से भी आप इस तरह से लगाएं। अब आप इसको अच्छी तरह से प्रेस करें। मीडियम फ्लेम पे ही आपको पकाना है। आप देख सकते हैं हमारा पराठा किस तरह तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। देख सकते हैं हमारे आलू के पराठे तैयार हो चुके हैं। हमने इसको डिश आउट कर लिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।